हेलो भाइयों, नितिन सारस्वत की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो सामने आप सभी के खड़ा है भाई इंट्रा V30 हाई डेक बॉडी। अभी ये HD डेक बॉडी में आता है, यानी कि पीछे से जो इसकी बॉडी रहेगी ना वो अलग रहेगी और इसका पेलोड जो है वही सेम रहेगा। मतलब पेलोड तो वही रहता है, बस आप उसमें सामान वामान एडजस्ट करके अलग से कर सकते हो। और मतलब ये बॉडी जो है काफी अच्छी उठा के अच्छा पूरा स्पेस निकाल दिया है। अभी इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें बाकी भाई 1496 सेंटीमीटर क्यूब डीजल इंजन मिल जाएगा और 52 किलोवाट यानी कि 70 HP पावर जनरेट कर रहा है। उसी के साथ में 140 न्यूटन मीटर की टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है और ग्रॉस व्हीकल वेट बताऊं इसका तो 2565 किलो का मिल जाएगा। वहीं पे भाई पेलोड जो है इसका 1300 किलो का मिल जाएगा। और व्हील बेस की बात करें 2450 mm का व्हील बेस मिल जाएगा और सेमी एलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग मिल जाएंगी, यानी कि आगे 5 और पीछे 8 कमानी मिल जाएंगी। और वहीं पे इसकी बॉडी देखो कितना शानदार लुक है इसका। मतलब आगे से क्रोम का जो यूज किया गया है ना, क्रोम यहाँ पे है। इंट्रा की बैजिंग मिल जाएगी आपको यहाँ पे और V30 HD बॉडी है, यानी कि हाई टेक बॉडी है, जो कि मैं वीडियो में पहले भी दिखा चुका हूँ। सामने से बात करें तो ग्रे फिनिश में भाई आपको यहाँ से बम्पर मिल जाएगा जो कि दिखने में काफी बहुत अच्छा प्रीमियम लग रहा है और क्रोम का लुक आ रहा है ना पूरे ट्रक में भाई, बहुत अच्छा लग रहा है, बेस्ट। बाकी वाइपर ब्लेड्स में ही वॉशर मिल जाएगा और वॉशर के साथ में पूरा प्रॉपर कर दिया है। और V30 की बैजिंग वहाँ पे हेलोजन में लाइट्स मिलेंगी और हजार्ड लाइट मिल जाएगी यहीं पे, और उसके साथ में नीचे कोई फॉग लैम्प नहीं मिलते, वो आपको आफ्टर मार्केट प्लेस करवाने पड़ेंगे। साइड में से चलते हैं तो ऐसी कुछ बॉडी आएगी वहीं पे। ORVMs कुछ इतने मोटे चौड़े ब्रॉड फिनिश में आते हैं V30 के। बाकी भाई यहाँ पे ये इसके टायर से देखो CA के हैं 85R14C100, यानी कि 14 इंच के भाई आपको इसमें टायर प्रोफाइल मिल जाएगी, ठीक है। और व्हाइट कलर में तो आर्टिक व्हाइट कलर में तो क्या बढ़िया लग रहा है, मतलब शानदार लग रहा है पूरा ट्रक। और डोर्स देख सकते हो कि ब्रॉड है, मतलब इसका जो गेट है कितना ही चौड़ा चौड़ा सा है। अभी अंदर से दिखाऊंगा, अंदर का तो पूरा लग्जरी चीज लगती है एक तरीके से। देखो भाई बाहर से कितना फिनिश प्रीमियम आ रही है। और हाई टेक बॉडी दिखाऊं तो ये इसकी भाई हाई टेक बॉडी है जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा सामान भर सकते हो। जिसका मतलब क्या है, अगर ऐसी बॉडी होती तो भाई वही है, बड़ा लंबा चौड़ा सामान नहीं आ पाता। अभी इसमें काफी सामान और कितना भी ऊंचा सामान रख सकते हो आप, वो ट्रेडर्स के लिए ना एक बहुत अच्छी बात हो गई। वहीं पे सेगमेंट में पहली बार 18 की माइलेज दे रहा है भाई ये ट्रक, ठीक है। तो बहुत ही तगड़ा भाई, शानदार मजा आ गया डीजल में। और डीजल इंजन मिल जाता है टाटा का, टाटा की बैजिंग मिल जाएगी पीछे से बात करें, और बाकी ऐसी कुछ बैक लाइट मिल जाएगी। वहीं पे 4-2 पार्किंग सेंसर मिलेंगे जो कि आप देख सकते हो। तो मतलब कॉमर्शियल में भी ये जो चल रहा है ना आजकल, मस्त सी चीज मेरे को जो लग रही है, पार्किंग सेंसर हो गए, इतना सब कुछ तगड़ा भाई। और वहीं पे पेलोड को डाला ये मिल जाएगा, ठीक है। टाटा का जो इनबिल्ट वाटर मार्क है वो बहुत प्यारा लगता है। बाकी पीछे की लुक ऐसे देख सकते हो। बाकी जो स्टेपनी की प्लेसमेंट है ना, ये थोड़ी ऑड सी लगी है, टाटा इसे और सुधारो, अगर ये चीज सुधरती है तो अच्छा लगेगा भाई फिर आगे। बाकी आप देख सकते हो पूरी कार्गो बॉडी, ठीक है, ऐसी कुछ बॉडी है, ठीक है। वहीं पे साइड से बात करें तो ऐसा कुछ दिखता है ट्रक, और जो इसकी सांपट है ना वो भी क्लियर विजिबल है यार, जो प्रॉपर ये जा रही है ना रोड, इसे देसी भाषा में सांपट बोलते हैं, बस ये पूरी विजिबल है वैसे साइड में से देखोगे ना तो। और साइलेंसर भी नीचे कोई झिक के देखेगा, पूरा एक्सपोज टाइप का है यार। वहीं पे भाई बैटरी मिल जाएगी आपको ये वाली एक साइड की, और ये मिल जाएगा भाई आपको, और बाकी कूलेंट फिलर मिल जाएगा, और यहाँ पे भाई वॉशर का वॉशर फिलर यहाँ मिल जाएगा क्योंकि इसका हुड वुड ओपन नहीं होता, तो साइड में सारी चीजें करके दी इन्होंने। और जो डोर हैंडल्स है ना कितने प्रीमियम लगते हैं ना ये, तगड़ा भाई। और ORVMs कुछ भाई एक शिकायत है थोड़ी टाटा से, ये ओल्ड स्कूल टाइप की क्यों दे रहे हो यार इसमें, अब जो आपकी योद्धा में आ रही है वो दो ना, ये थोड़ा प्रीमियम और लगे। इतना प्रीमियम चीज आपने बना दी है तो थोड़ा और प्रीमियम कर दो सही। बाकी एक चीज बताना भूल गया था, जो इंडिकेटर्स है ना वो यहाँ पे आते हैं इसके, ठीक है। प्लास्टिक में मडगार्ड मिल जाएगा ब्लैक कलर का, डोर को खोल के दिखाएं तो ये देख लो भाई डोर फुली भाई प्लास्टिक में डोर्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, और ये डोर ओपनर मिल जाएगा। बाकी विंडो का विंडो ओपन और क्लोज कर लेंगे भाई काफी शानदार लुक में, यहाँ मिल जाएगा। मैनुअली एडजस्टेबल है भाई विंडोज, भाई वाटर होल्डर मिल जाएगा, और यहाँ पे भाई म्यूजिक पोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से पकड़ के अपना बंद कर सकते हो इसको गेट। सीट्स दिखाऊं तो सीट्स कुछ ऐसी हैं, देख लो भाई फैब्रिकेटेड सीट्स पूरी, पूरे एयर इनटेक के साथ में, बढ़िया फील के साथ में, टच के साथ में। बाकी एडजस्टेबल है फुल ये सीट्स, रिक्लाइनेबल और पूरी आगे पीछे जुगाड़ सा बना सकते हो, ठीक है। स्टेयरिंग कुछ इंटर टाइप का ये मिल जाएगा इसमें, ऐसा कुछ हॉर्न मिलेगा। बाकी ये है भाई इसका डेफ रीजनरेशन का स्विच, और ये है इको मोड, इको मोड आता है भाई ये, इसमें इको मोड भी आता है, लाइट लेवलर ये रहा। बाकी एसी वेंट्स और ब्लोअर कुछ भी किट इसमें आती नहीं है अभी, और फुटस्टेप भी नहीं मिल रहे हैं। ये रहा भाई इसके ग्रैब हैंडल्स, इसको चढ़ के आप इसमें आराम से चढ़ सकते हो। अभी ये है भाई कैबिन की स्थिति, देख सकते हैं भाई सारे विंडशील्ड कितनी चौड़ी है। ये रहा भाई इसका सनशेड, ये रहा भाई इसके लाइट स्विच येलो कलर में, ठीक है, ये अच्छा लगता है। बाकी जो इसकी हाईलाइटेड मेन चीज है ना ये है भाई, वो डिजिटल मीटर, ठीक है। इसमें आप पूरा डेफ वेफ की वार्निंग और हीट टेम्परेचर सब कुछ देख सकते हो, फ्यूल मीटर व्यूल मीटर सारा चीजें बता देगा। अभी डेफ का नहीं बता रहा, पता नहीं क्यों,
शायद से हाई टेक बॉडी में नहीं बताता होगा, और स्पीड डिजिटल बता ही रहा है और सारी वार्निंग्स भी बता रहा है। ऐसा कुछ भाई, इसका स्टेयरिंग मिल जाएगा वहीं पे भाई, ये इसके तीनों ब्रेक कंट्रोल्स, क्लच हो गया, ब्रेक हो गया और ये एक्सेलेटर हो गया। बाकी भाई लाइट के स्विच यहाँ पे मिल जाते हैं ऑन ऑफ के, और वहीं पे वॉशर के स्विच, इनबिल्ट वॉशर मिल जाएगा इसमें, पानी नहीं होगा, ये देख सकते हो अभी वॉशर है। बाकी भाई ये सारे देख सकते हो आप इसकी, और भाई यहाँ पे कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता। टाटा से मेरी खासकर मैं रिक्वेस्ट है, प्लीज म्यूजिक सिस्टम उतारो, अगर म्यूजिक सिस्टम उतार दिया तो मैं तो तुम्हारे कॉम्पिटिटिव और राइवल में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो सारे, क्योंकि मैंने तो किसी गाड़ी में देखा नहीं अभी इनबिल्ट म्यूजिक सिस्टम इनका, अगर आ गया ना बवाल सा ही हो जाएगा, क्योंकि फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं इस गाड़ी में, और कुछ कम करने को पूरी लग्जरी कार बना देंगे भाई। वो 2.4 एम्पीयर का यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा, उसी के साथ में भाई IRVM यहाँ पे प्लेस्ड है, काफी बढ़िया सा गुड लुकिंग, और ये लाइट देख सकते हो उसमें सनसेट दिखाई चुका था, और सीट देखो नेक रेस्ट कितने प्यारे हैं इसके, प्रॉपर ये सीट कवर है यार, बहुत प्रीमियम लग रहा है, ठीक है। और हाईटेक बॉडी यहाँ से देख सकते हो, बाकी इसका थोड़ा लोड वोड छुप जाता है, वो थोड़ा अजीब सा लगता है, कोई 5 स्पीड में भाई इसका मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाएगा, कपड़े के साथ पूरा स्टिच्ड, और एक म्यूजिक प्लेयर देख सकते हो। बाकी अगर हम इसको ग्लव बॉक्स को ओपन करके दिखाएं तो देख सकते हो सारे, अबे पता नहीं क्या ये टकरा है इसमें, पता नहीं भाई खुल नहीं रहे क्या चक्कर है इसका भी यार, कोई नहीं। और हजार्ड लाइट का स्विच जो है ये नॉर्मल यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो इसका लग्जरी कैबिन, बाकी V30 का ही जैसा कैबिन है, बस फर्क क्या हुआ है इसमें हाईटेक बॉडी जुड़ गई है। अभी एक बात बताऊं, इस जैसी पावर, इस जैसा डेक बॉडी, तो भाई अभी कोई कंपनी ज्यादातर दिमाग नहीं लगा रही उन चीजों में, अभी Isuzu भी अपनी हाई एंड सेगमेंट पे ध्यान देते हैं, इन जैसी चीजों पे नहीं ध्यान देते। हाई डेक बॉडी और ये छोटी छोटी चीजें, टाटा इतनी छोटी छोटी चीजें सोच के भी ना प्रोडक्ट लॉन्च करती जाती है, ये लगती है भाई मेरे को तगड़ी बात टाटा की। तो ये थी भाई अपनी V30 हाई डेक बॉडी, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और इसी तरह के कंटेंट के लिए भाई चैनल को कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब, तीनों मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच भाई।